आज हम आए हैं लुधियाना के PAU में, जहाँ इंटीरियर एक्सटीरियर की बहुत बड़ी एग्जीबिशन एक लार्ज स्केल पे ऑर्गेनाइज की गई है। और हम जिस स्टॉल पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं यहाँ कितने ब्यूटीफुल डेकोरेटिव आइटम्स हम आप सबको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो ये फातिमा नाज डेकोर के नाम से इन्होंने यहाँ स्टॉल लगाई है, जो स्पेशली अपने इतने ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स मुरादाबाद से लेकर आए हैं। तो चलिए मिलते हैं उनके ऑनर से, उनसे पूछते हैं कि उनको ये प्रोडक्ट्स बनाने में कितना टाइम लगता है। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब TV। मैं मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है, मुरादाबाद से आया हूँ। और हमारे पीछे क्या है कि 50 परिवार और हैं जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम यहाँ से ऑर्डर लेते हैं, उन लोगों को रोटी रोजगार देते हैं, फिर हमारा काम बढ़ता है। सबसे पहले आप ये बताइए, जो इतने अच्छे डेकोरेटिव पीसेस हम यहाँ देख रहे हैं, ये सारे क्या हैंडमेड हैं या ये किसी मशीन्स के थ्रू आप इनको बनाया जाता है? नहीं नहीं मैम, ये सारा हैंडमेड है। ओके। इनको एक मूर्ति को बनाने में 1 महीना लग जाता है, जिससे 4 कारीगर लगते हैं। तो ये किस मटेरियल से बने हुए हैं? ये सारा ब्रास में है, कॉपर में, ब्रॉन्ज, कुछ एल्युमिनियम, इस तरह की धातु से अलग अलग आइटम बनाते हैं हम लोग। तो सर, इनको एक जैसे डेकोरेटिव पीस जैसे हम देख रहे हैं, इसको बनाने में कितना मैक्सिमम कितना टाइम लगता है? मैम कम से कम 1 हफ्ता लगता है एक आइटम में। एक आइटम बनाने में 1 हफ्ता लगता है। तो हमने जैसे सुना है कि पीतल, ब्रास या जो भी ये होता है, इनकी क्लीनिंग काफ़ी टफ होती है, तो इसके लिए क्या कोई स्पेशल पाउडर आता है जिससे इनकी, अगर हम घर में रखते हैं, इनकी क्लीनिंग कैसे हम कर सकते हैं? मैम इसके लिए आप कोलगेट पाउडर इस्तेमाल करिए, या फिर ब्रासो आता है एक दारा की शीशी, उसको करिए। वरना आजकल हमने क्या है, इस पर लेकर करना शुरू कर दिया है। लेकर से क्या है, ये ब्लैक नहीं होते। आपके साथ कितनी और टीम है, मतलब आपके साथ जुड़ी हुई है इस काम को लेकर? इस काम को लेकर हमारे साथ कम से कम 50 परिवार है। जो मोदी जी ने स्कीम निकाली है ना गरीबों के लिए, तो हमें यहाँ पे ऑर्डर मिलते हैं, ऑर्डर मिलने के बाद पीछे जाके हम काम देते हैं, वो बन के फिर निकलता है। तो आप इतनी दूर से स्पेशली पंजाब में, लुधियाना में आपने अपनी स्टॉल लगाई है, तो आपको यहाँ के लोगों से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? मैम यहाँ के लोगों के लिए तो हम इंतज़ार करते हैं, 1 साल के बाद नंबर आता है। मैं चाहता हूँ कि हर 6 महीने बाद, 3 महीने बाद नंबर आए। तो देखिए, इतने खूबसूरत, इतने डेकोरेटिव आइटम्स आप अपने घर के लिए स्टॉल पे आके परचेज कर सकते हैं। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा पसरीजा, टाइम्स पंजाब TV।